तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक समर शॉर्ट्स का, जो ये है अपने पास। ये चीनो शॉर्ट्स है, लेकिन इसकी जो वीविंग है वो ट्विल है, तो ये चीनो से ज़्यादा अपने को थोड़ा सा जींस टाइप का जो शॉर्ट्स होता है उस टाइप का फील देता है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कहाँ से मैंने मंगाया है, क्वालिटी की बात करेंगे, इसके साइज चार्ट को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि आपको कौन से साइज़ के लिए जाना चाहिए अगर आपको नीड है तो। समर में आप इसको कैसे पहन सकते हैं, मटेरियल कैसी, क्वालिटी कैसी, सब कुछ डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही चलिए इसको हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जल्दी से खोलते हैं बॉक्स को, आपको दिखाते हैं, फिर वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो गाइस ये है अपना पैकेज जो डिलीवर हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसमें क्या है देखेंगे। आपको तो वीडियो के टाइटल थंबनेल से पता लग ही गया होगा, तो चलिए हम लोग इसको खोलते हैं। यहाँ पे अपने को कागज वाली पैकेजिंग मिलती है और ये अपना मटेरियल आ चुका है बाहर, तो ये पन्नी में पैक्ड है, इसको निकालते हैं जल्दी से फटाफट बाहर। ठीक ये हो गया है बाहर, ये आ चुका है। तो गाइज आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको लग गया होगा पता, ये एक चीनो शॉर्ट्स है, मतलब हाफ पैंट है। यहाँ पे अगर इसकी प्राइस नॉर्मल की बात करें तो 1429 इसका प्राइस लिखा हुआ है। साइज़ इसका जो है 32 में मैंने इसको मंगाया है, तो डिटेल्स इसको खोल के दिखाएंगे आपको, सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। कलर जो आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम कलर है, समर के लिए काफ़ी परफेक्ट होने वाला है। आप इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं, वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन होता है, कोई भी हम लोग शॉर्ट्स लेते हैं तो उसकी इनसेम लेंथ की होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हाईलैंडर की तरफ से आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईलैंडर की यहाँ टैगिंग मिल जाती है, 32 लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले कंफर्म करेंगे ये 32 है कि नहीं। स्लिम फिट में है और यहाँ पे इसके कॉटन एंड ऑल से, मतलब जो मटेरियल है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, आपको पता चल जाए यहाँ मेड इन कॉटन लाइक्रा मिक्स है, मतलब वो भी देखते हैं। लाइक्रा मिक्स है तो थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए, तो हल्की सी स्ट्रेचेबिलिटी है ना मात्रा, थोड़ा सा एकदम, अगर आप हेल्दी होंगे तो फिट आएगा आपको। पीछे की तरफ देखें तो दो पैकेट अपने को प्रोवाइडेड है, मटेरियल थोड़ा सा जींस टाइप का अपने को वीव है, मतलब ट्विल भी मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग अपना हथियार निकालते हैं और मेजरमेंट लेते हैं कि क्या ये 32 साइज का है जो बताया गया। तो गाइज यहाँ पे जो साइज है मैं देख रहा हूँ कि 16.5 है, यानी कि 33 है, तो थोड़ा सा आपको एक इंच का बफर मिल रहा है, यानी कि 32 नहीं है 33। मैं इसको पहन के भी दिखाऊँगा आपको कि कैसी है इसकी फिटिंग मेरे पे, और आपको लेना हुआ तो कौन सा साइज़ के लिए आपको जाना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये आप देख लीजिए, इनसेम लेंथ जो है इसकी 19 इंचेस की है, तो वो ठीक ठाक है। आप पहन के देखेंगे सिनेमेटिक में कि कैसा लगेगा। तो गाइज ये है, इसके हम लोग चैन एनालॉग की बात कर लेते हैं कि वो कैसा स्मूथ है कि नहीं। तो गाइज चैन की अगर मटेरियल देखें तो कॉटन मटेरियल से ही मिल के बना, प्लास्टिक का चैन जीपर है, अगर मेटल वाला रहता तो और बढ़िया रहता। प्राइस एंड ऑल के हम लोग आगे बात करेंगे। नीचे अगर देखें यहाँ पे जो पैकेट वाला मटेरियल है कॉटन है, तो अपने को समर में कंफर्टेबिलिटी देगा। पीछे का जो पैकेट है यहाँ पे डेप्थ ठीक ठाक है, और आगे भी अपने को दो पैकेट प्रोवाइडेड है जो स्लेंट टाइप के पैकेट। और ओ माई गॉड क्या डेप्थ है, ज़बरदस्त डेप्थ है, तो आप अपने एसेसरीज जो भी है फ़ोन एंड ऑल को अच्छे से रख सकते हैं। तो वह चलिए इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो गाइस आई होप आपने देखा इस चीनोज को काफ़ी पास से, आपको अच्छा लगा होगा, मैंने सब कुछ डिटेल्स इसमें दिखा दिया मटेरियल एंड ऑल। उसके बाद अब आएंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, जो इसका साइज चार्ट। तो गाइस इसको मैंने 32 साइज में ऑर्डर किया है, लेकिन जब मैंने इसकी मेजरमेंट करी तो इसका जो वेस्ट पार्ट है वो 33 के अप्रॉक्स है, मतलब एक इंच बफर मिलता है अपने को, जो अच्छी बात है चीनो के मामले में। लेकिन अगर आपका कमर ज़्यादा छोटा है, मतलब 31 के आसपास है, 30 के आसपास है, तो आप 32 मंगाइए तो मे भी थोड़ा सा लूज हो सकता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनसेम लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है इसका 19 इंचेज है, क्योंकि जब भी हम कोई चीनो शॉर्ट्स पहनते हैं या हाफ पैंट पहनते हैं तो उसकी लेंथ ना एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हमारा जो नी है, जो नी पार्ट जहाँ से चालू होता है इसको बोले घुटना, इसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, एक इंच होगा तो चलेगा, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है मेरे हिसाब से, आप सिनेमेटिक में देख रहे होंगे, इसकी फिटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। थाई पे ना एक स्नगली सा ये फिट बना रहा है, और पीछे बटक की बात करें तो बटक पर भी काफ़ी अच्छा फिट है, और कमर पर भी जो इसका जो जब हम इसको बंद करते हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ता है और स्नगली फिट है, थोड़ा सा फिंगर जाने तक का गैप वहाँ पर मिलता है अपने को।
फिट काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, फील स्किन को काफ़ी अच्छा देता है। ठीक है, अगर समर की बात करें तो समर में हमें ऐसे ही शॉर्ट्स चाहिए क्योंकि जींस काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एक चीनो अपना ऑप्शन है, साथ ही साथ हाफ पैंट्स की तरफ जाना चाहे, ऐसे हाफ पैंट्स जो आप पहन के बाहर भी जा सके, तो ये वाला जो पैंट्स है, इस टाइप के जो पैंट्स है, अपने बेहतर एक ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसको मैंने उसी पर्पज़ के लिए ऑर्डर किया है, ये ओलिव कलर में है, कलर काफ़ी परफेक्ट है, आप इसको काफ़ी तरीके से इसको चाहे तो आप ये कर सकते हैं, पेयर अप कर सकते हैं, आप इससे स्मार्ट कैजुअल जो आउटफिट है वो भी बना सकते हैं, इस पर आप अगर चाहें तो वाइट कलर का शर्ट और नीचे वाइट स्नीकर डालें तो वो भी देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगा, या अगर आप वाइट टी शर्ट के साथ इसको पहन लेते हैं तो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको पेयर कर सकते हैं क्योंकि ये कलर न्यूट्रल है, आपकी एज को ये काफ़ी शूट करेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इतनी बकबक के बाद कि इसकी प्राइस कितनी है भाई, तो गाइस यहाँ पे अपने तीन साइज देखने को मिल जाते हैं, 32, 34, 36। अगर 32 की बात करें जो काफ़ी पॉपुलर है, तो उसकी प्राइस हमेशा अप डाउन होते रहती है, मैंने इसके 547 में खरीदा है, लेकिन वहीं पे आप इसका 34 खरीदोगे ना तो आपको 449 के आसपास प्राइस देखने को मिल जाएगा, तो प्राइस थोड़ी अप डाउन होते रहती है। आप जाकर लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना, आपको वहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि कितना इसके प्राइस है और आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मटेरियल क्वालिटी के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा रफ टफ खोज रहे हैं कि आप उसको अपना रेगुलर यूज़ करें समर में, तो ये परफेक्ट होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो मटेरियल है ट्विल बिब है, तो उस टाइप के जो चीनोस पैंट होता है ना, उस टाइप का ये मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा जींस टाइप का अपने को फील देगा, तो उस टाइप का आपको चाहिए तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे दूसरे वीडियो को देख लीजिए जो मैंने पिछले सीजन में रिव्यू किया था, अजियो से मैंने एक चीनो शॉर्ट्स मंगाया था, उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये शॉर्ट्स लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको साइज में कन्फ्यूजन होगा तो हम आपकी हेल्प कर देंगे कि कौन सा साइज आपको फिट आएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई कमेंट क्यूरी कन्फ्यूजन होगा तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, अगर साइड से कन्फ्यूजन है तो आप हमारे बैनर पर जाकर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे आइए। वैसे आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्राना, अलविदा, मसलन, टेक केयर एंड डू व्हाट यू वांट माय लवली फ्रेंड्स।